सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। सौ दर्द अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज फादर्स डे है और मैं भी सुबह उठा तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, स्टेटस लोगों का देखा, व्हाट्सएप पे देखा, इंस्टा पे देखा, फेसबुक पे देखा, सब लोग अपने पापा के साथ वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, फ़ोटो डाल रहे थे। सो मेरे को भी आज अपने पापा की बहुत याद आई, बहुत सी चीज़ें मैं उनसे शेयर नहीं कर पाता था, बहुत सी चीज़ें आप लोग नहीं जानते थे, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। आप लोगों के काफ़ी सवाल थे कि भाई आपके पापा को क्या हुआ, आपके पापा की कैसे डेथ हुई। सो भाई पापा की मेरे डेथ हुई 16 अप्रैल 2021 को, 15 अप्रैल 11:30 बजे उनकी आखिरी सांस उन्होंने लिया। और मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ अपने पापा के बारे में, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, मेरे पीछे भी पापा का हाथ था, कैसे कैसे पापा ने मुझे सपोर्ट किया बचपन से, आज तक सपोर्ट करते आए वो, जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो थे दुनिया में, तब तक उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, हर एक जगह पे उन्होंने साथ दिया मेरा। मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था इतना, मतलब मैं इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था पढ़ाई में, फिर भी उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया। मार्क्स मेरे कम आते थे, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना, अच्छे आएंगे, परेशान मत हो। मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ख़राब लोग भी मिले, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं पापा से नहीं बता सकता था लेकिन उनको पता चल जाती थी चीज़ें, तो उन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, कभी मतलब मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया, डिमोटिवेट नहीं किया कभी मेरे को, कभी भी नहीं किया। तो आज फादर्स डे है तो मैंने सोचा अपने पापा के बारे में, या पापा आज नहीं है मेरे साथ लेकिन पापा कहीं ना कहीं मेरे को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे उनका बेटा कितना परेशान है, कितना तड़प रहा है, कितना उलझन में है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने माँ बाप खोया है वही मेरा दर्द समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको समझा सब सकते हैं लेकिन वो दर्द कोई नहीं महसूस कर सकता, जिन्होंने अपना, अपने क्लोज, अपने भाई, अपने बहन, अपने माँ, अपने बाप को खोया है वही लोग समझ सकते हैं, इस दर्द का एहसास कर सकते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, जितने लोगों ने अपने पापा या अपनी मम्मी या किसी को खोया है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो उनके लिए आप नीचे मत, डाउनफॉल मत जाओ, आप कोशिश करो उनके जो सपने थे, जैसे कि मेरे पापा के भी काफ़ी सपने थे, मैं भी मतलब बहुत सी चीज़ें मैं करने की कोशिश करता था, मैं पापा से बताता था कि पापा मैं ये करूँगा, पापा मैं प्राइवेट जेट खरीदूँगा, पापा मैं हेलीकॉप्टर खरीदूँगा, पापा मेरा यहाँ पे विला होगा, कनाडा में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और हर चीज़ के पीछे पापा का हाथ था, हर चीज़ के पीछे। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया 12th तक तो मेरे पापा ने पूरा, समझ लीजिए मैं पापा से हर चीज़ मांगता था, वो हर चीज़ मुझे दिए, मतलब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा ये नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, उनसे जितना होता था उससे 10 गुना ज़्यादा वो मेरे लिए करते थे। बाइक चलाने की एज में मुझे कार मिली थी, और जब समझ लिए मैं साइकिल चलाने का एज था तब मुझे वो स्कूटी दिलाए थे, बाइक दिलाए थे, और मैं अपने क्लास में भी सबसे अच्छी बाइक से, अपने क्लास में सबसे अच्छी कार से मैं जाता था, कॉलेज क्लास करता था, स्कूलिंग भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी किया, अच्छी अच्छी बाइक से मैं चला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो पापा ने बोला कि बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं, पापा से बोला पापा मेरे को बिज़नेस करना है, मेरे को बिज़नेस में इंटरेस्टेड है मैं, पापा ने बोला ठीक है बेटा आप बिज़नेस करो, आपके साथ मैं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, और मैं इसलिए रिस्क ले लेता था कि मुझे पता था कि मेरे पीछे मेरे पापा खड़े हैं, मैं कोई भी काम मैं करने जाता तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं इसमें फेल होऊंगा कोई बात नहीं, पापा मेरे को यही समझाते थे कि अगर बेटा तुम फेल हो कोई बात नहीं, मैंने भी 50 काम किए, पापा खुद किए 50 काम, 50 काम फेल हुए लेकिन वो करते रहे, वो कभी रुके नहीं, और यही रीज़न था मैं आज मेरा इतना नाम है, इतना ऊपर वाले की उसे इतना मैंने पैसे कमाए, सब कुछ किया, नाम बनाया यूपी में, बहुत बड़ा नाम बना के बैठा हूँ आज की डेट में,
तो सिर्फ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का हाथ था। मैं कोई भी काम करता था, बड़े से बड़ा रिस्क ले लेता था, बड़े से बड़ा तूफान का सामना हो जाता था, कोई परेशानी नहीं आती थी। मुझे पता था कि कोई बात नहीं, मेरे पापा पीछे हैं, उनका हैंड हमेशा रहता था, बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहीं बाहर गया मीटिंग में, मैं काफ़ी कंट्रीज भी जा चुका हूँ, मैं बाहर बिजनेस भी किया, मेरे बाहर भी कुछ बिजनेस हैं। मैं जब जाता था पापा से बोलता था, पापा मेरा मेरे को बाहर मन कर रहा है कुछ काम करने का, मैं सोच रहा हूँ मलेशिया जाना है पापा, मलेशिया में कुछ होटल का काम हो रहा है, होटल के बारे में कुछ बात करनी है। पापा मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा आप जाओ, आप करो, परेशान मत होना और डिमोटिवेट मत होना, कभी मतलब परेशानी आए तो मुझसे बात करना। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था और धीरे 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 मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम होता गया, और जब कम होता गया तो क्योंकि फ्रेंड्स का भी धीरे धीरे हर आदमी एक तरह से नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से लोग दोस्त मिलते हैं आपको बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं बहुत ख़राब भी होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे सबको जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में है। तो जब मैं कोई बात शेयर करनी होती थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने मैं पापा से शेयर करता था। मैं किसी पे, आज की डेट में मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, मैं सिर्फ अपने पापा से पूछता था, पापा ये ऐसा है, पापा मैं ये करना चाह रहा हूँ, पापा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे राय देते थे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग को भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प लेनी हो, तो आप दूसरों से मत बताइए। दूसरों से बताओगे आप तो वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पापा से, घर में, फैमिली से, किसी से, दोस्त बन के बताओगे तो वो लोग आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम लोग को पूरी तरह से वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किया है। और आज पापा नहीं है हमारे बीच में, तो जो तकलीफ मैं महसूस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है, और जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया वो समझ सकते हैं। तो भाई मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग भी हो, अपने पापा, जिनके अपने पापा मम्मी जिनके पास हैं, काम रोज़ है, ऑफिस रोज़ जाना है, बिजनेस रोज़ करना है, बाहर रोज़ जाना है, तो टाइम निकाल के अपने माँ बाप के साथ आप लोग रहो, माँ बाप को टाइम दो, माँ बाप के लिए। आप दूसरों को अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने इनको ये गिफ्ट देना, वो गिफ्ट देना, तो मैं यही चाहूँगा कि आपको अगर गिफ्ट देना है, आप छोटे से छोटा भी गिफ्ट दोगे तो आपकी माँ, अपने, आपके पापा बहुत खुश होंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के पीछे बर्बाद किए पड़े हुए हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को मत भूलिए, उनको जितने से ज़्यादा आप लोग प्यार दे पाइए उतना दीजिए, क्योंकि इंसान की कदर उसके जाने के बाद होती है। आप लोग अभी, आप लोग के पास फैमिली है, पेरेंट्स हैं सबके, उनको जितना प्यार आप लोग दे पाओ उतना प्यार दो आप, मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्योंकि और पापा जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, वो नहीं बता पाएंगे कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार वो बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि अगर पापा नहीं है तो आपका घर नहीं चल सकता, आपके पीछे जितने भी लोग हो सबके पीछे समझ लीजिए उनके पापा का हैंड होता है। और मैं आज महसूस कर रहा हूँ हर एक सेकेंड पे, हर एक चीज़ पे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे उनकी ज़रूरत पड़ रही है। कल को मुझे भी लगता था नहीं ऐसे कर लूँगा, नहीं वैसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, सब कुछ, लेकिन आज जब वो पापा नहीं है तो मैं हर एक सेकंड उनको महसूस कर रहा हूँ। उनके लिए समझ लीजिए कि मैं, मेरे वो हर एक सांस में, मैं सुबह रात में सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, हर एक जगह पे कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती तो उनकी तुरंत याद आती है, क्योंकि वो रहने पर पता नहीं चलती चीज़ें, लेकिन ना रहने पर बहुत कुछ पता चलता है। तो भाई मैं बहुत टूटा हुआ हूँ अंदर से, मैं बस आप लोग मोटिवेट, हम आपको मोटिवेट करते हैं। आज बहुत से लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे से बहुत से लोग ऐसे जुड़े थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। पापा जब हॉस्पिटल में गए, जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए पापा, तो बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। फिर जब पापा इस दुनिया से चले गए तब भी बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को इंस्पायर किया। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े थे और जितने लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और मैं, आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया इस बार मेरे पापा के जाने के बाद, बहुत साथ दिया आप लोगों ने। मैं यही चाहूँगा कि मुझे आप लोग भी मेरी फैमिली हो, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, और अपने फैमिली की और अपने क्लोज वंस की, उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वो एक दुनिया है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए आपकी दुनिया कुछ नहीं है, आपके आँखों के, आज की डेट मेरे आँखों के आगे एकदम अंधेरा है। मैं आँख बंद करता हूँ तो भी अंधेरा है, आँख खोलता हूँ तो भी अंधेरा है,
बस मैं इतना बस बोलना चाहूंगा भाई कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार अपने फैमिली को आप दे पाइए, दीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें अपने पापा आपके मम्मी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको आप समझो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमो, उनके साथ आप घुमाओ उनको, उनके खाने के लिए लेके आइए, आप गिफ्ट दीजिए, सब कुछ अपने फैमिली के लिए करिए। और बहुत जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, बहुत से लोगों ने अपने मम्मी को, अपने पापा को, सबको खोया है, बहुत से लोगों को, पूरी पूरी फैमिली बेचारे सब, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी तरह, बहुत लोग पड़े हैं जिन्होंने अपने क्लोज वंस को खोया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, जो चला गया तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनके सपने ज़रूर पूरा करने हैं, जो उन्होंने सोचा था कि मेरा, जो आपने उनसे बताया था कि हाँ मैं ये करूँगा, जैसे मैंने बताया था अपने पापा को कि मैं प्राइवेट जेट खरीदूँगा, हेलीकॉप्टर खरीदूँगा, जो भी मेरे सपने थे बड़े से बड़े, इंशाल्लाह मैं वो सपने पूरा करूँगा। पापा नहीं है तो क्या हुआ, वो ऊपर से तो ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे हमको, और वो पहले से ज़्यादा मुझको देख रहे होंगे, पहले से ज़्यादा मेरे कुछ चीज़ें वो देख रहे होंगे। तो आप लोग को भी अब हिम्मत नहीं हारनी है, जिन लोगों ने खोया है अपने पेरेंट्स को, आप लोग को हिम्मत नहीं हारनी है, बस आप लोग किसी तरह से स्ट्रांग रहिए, आगे काम करिए, और आप खुद देखिएगा वो लोग आपको हर एक दुआ में आप लोग को साथ दे रहे होंगे, हर एक जगह पे आपको साथ दे रहे हैं वो। समझ लीजिए कि जितने भी लोग हो हमसे जुड़े हो, हम चाहेंगे कि भाई हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, आप लोग भी तरक्की करो। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने पेरेंट्स की जितनी से ज़्यादा केयर कर पाओ उतनी केयर करो, उनका साथ टाइम स्पेंड करो। और मेरे से मैं, आप लोग पूछते हो कि मेरा इतना नाम हुआ, इतना सारी चीज़ें हुई, इतना आप लोग मेरे से इंस्पायर होते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पापा की वजह से, मैं अपने पापा को देखता था, वो उनके काम करने का तरीका, उनको प्रॉब्लम कैसे चुटकी में सॉल्व कर लेते थे, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते थे। जब मेरे को उनसे बात करनी होती थी तो मेरे को सुबह 5 बजे का अलार्म लगाना पड़ता था, क्योंकि वो 5:30-6 बजे तक वो चले जाते थे ऑफिस। वो काम, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने काम को दी, वो कभी घर पे नहीं बैठे, हमेशा वो चलते रहे। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत कुछ बनाया, उन्होंने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी, काम के पीछे वो बहुत दौड़े बहुत, क्योंकि वो हमेशा, और जब भी मेरे को लगता था कि मैं फेल हो रहा हूँ या कुछ, मैं कैसे करूँगा, मैं अपने पापा को देखता था। लोग दूसरों को देखते हैं, इस हीरो को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये करते हैं, इससे सीखते हैं, मैं अपने पापा से सीखता था। मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहूँगा, जो कुछ भी हो उसके पीछे मेरे पापा का हाथ है, सिर्फ और मेरे पापा का। और आज वो कहीं भी हैं और मुझे पता है वो मेरे को देख रहे हैं, और मुझे उनके सारे सपने पूरे करना है। आप लोग का साथ चाहिए, मेरी और भी फैमिली है, मेरी माँ है, मेरी भाभी हैं, मेरे भाई हैं, सब लोग हैं, तो ऐसे डिसअपॉइंट तो नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, पापा के सारे सपने पूरे करने हैं। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आज फादर्स डे था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूं। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, आज तक मैंने यूट्यूब पे कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बहुत लोगों ने बोला कि भाई आपका इतना नाम है, आप यूट्यूब पे डालिए वीडियो, यहां पे डालिए, मैंने कभी नहीं बनाया। आज मैं सुबह सोचा कि मैं, देखा जब मैंने सबका स्टेटस, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं पापा के बारे में कुछ बताता हूँ, पापा के लिए कुछ बोलता हूँ, इसलिए मैंने आज, मेरा फर्स्ट व्लॉग था, इससे पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स के लिए करिए बहुत कुछ। जिनके पास हैं वो लकी हैं, और जिनके पास नहीं है पेरेंट्स, उनके सारे सपने उनको पूरा करिए, उनको, उनके उनके बारे में सोच के कि मेरी माँ ये चाहती थी, मेरे पापा ये चाहते, तो उनके बारे में सोच के आप लोग उनके सारे सपने पूरे करिए। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए मेरे लिए, मेरा इतना आज के डेट में इतना नाम हुआ सिर्फ आपके प्यार की वजह से, सब कुछ, और मेरे पापा के साथ की वजह से। और भी मुझे आगे प्यार चाहिए, अब तो मुझे अब बहुत डबल प्यार चाहिए आप लोगों का। तो बस मैं यही कोशिश करूँगा भाई कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें करूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी मोटिवेट हमको करते हो, हम भी आपको मोटिवेट करेंगे। बस ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए अपने भाई से। भाई मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा, एक या दो तीन लाइनें बोलना चाहूँगा कि बिना आवाज के और बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। अपने बच्चों की तकलीफों के छेदों को अपनी बनियाइन में पहनता है, वो बाप होता है। माँ तो पेट में रखती है 9 महीने तक, लेकिन 9 महीने
तक अपने सिर पे जो धोता है वो बाप होता है। अपने पापा को मैं बहुत मिस करता हूँ और पूरी ज़िंदगी वो मेरे दिल में है, मेरी हर सांस में है। इसी के साथ भाई वीडियो एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।